नमस्कार दोस्तों, मैं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट वाला। भाई लोग, बहुत सारे सवाल जवाब थे आप लोगों के। काफी लंबे टाइम से मैं नहीं था, लेकिन अभी वापस आ चुका हूं और ट्यूटोरियल डाला भी था और बाकी और भी डालूंगा। मैं रोजाना कंटिन्यू कर रहा हूं, धीरे धीरे कम बैक करने की कोशिश है मेरी। बेहतर कॉन्टेंट ला पाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बेहतर चीजें कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। भाई का सवाल आया है यश डोंगरे का कि ब्रश यूज करने पर जो नॉर्मल कलर होता है वो आ जाता है, बल्कि जिस कलर को मैं यूज करना चाहता हूँ या फिर जैसे मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो चीज मुझसे नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं हो पा रही, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज भाई ने बोला है, एक दूसरे भाई ने बोला है कि दो लेयर एक साथ ग्रुप नहीं हो पा रही है, वो कैसे करना है। और फोटोशॉप CSC CC 2020 विंडोज 10 में चलेगा या नहीं, तो बिल्कुल चलेगा भाई। फोटोशॉप सीसी 2020-21-22 जितने भी हैं सब लेटेस्ट वर्जनों के लिए बनाए जाते हैं। ओल्ड में भी बहुत सी चीजें चल जाती है जुगाड़ लगाने पर, लेकिन फिलहाल मैं इन सवालों के जवाब देता हूँ। पहला सवाल जवाब तो आपने सुन लिया कि चल जाएगा। दूसरा सवाल जवाब है कि ये ग्रुप में क्यों नहीं होता है। इसके हम 10 कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रोल जे के साथ 10 कॉपी बना लिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 को कर देते हैं एक अलग ग्रुप में कंट्रोल जी के साथ। और यहाँ से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है इनको एक अलग ग्रुप में 2 को, और यहाँ से अलग कंट्रोल जे के साथ कॉपी कर लिए, और एक चारों को करना है कंट्रोल जी के साथ ग्रुप में। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो यहाँ से कंट्रोल साथ इसको सिलेक्ट करना है, लेयर में आना है, यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप का कंट्रोल जी देखेंगे शॉर्टकट ग्रुप, ये ग्रुप में हो चुका है। अब ग्रुप के अंदर में आप देख सकते हैं सारी फोटोज हैं। अब अगर आप इस ग्रुप का एक ही आंख को बंद करेंगे सारी फोटोज बंद हो जाएगी। जैसे मान लो ये देखेंगे, ये ग्रुप की आंख बंद करें तो फोटोज गायब, इस ग्रुप को दबाए तो आ गई, क्योंकि इस ग्रुप में भी फोटो यही वाली है, ठीक है, और इस ग्रुप में भी फोटो है, इसलिए ऐसे हो जा रहा है। मतलब ग्रुप में करना बिल्कुल आसान है, कठिन काम नहीं है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फोटो ये है। अब पहला सवाल और आखिरी सवाल वो है कि ब्रश टूल को जब हम यूज करते हैं तो नॉर्मल कलर आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्रश टूल से यूज करूंगा, कॉपी बना लिया, ये इस टाइप का नॉर्मल कलर आ रहा होगा, तो ये आ जाता होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिसेट कर लेता हूँ। रिसेट कर लिया, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला टूल्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, इधर पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। हार्डनेस को 0 कर लेता हूँ, इसको चाहे तो बड़ा थोड़ा कर सकते हैं। देखेंगे ये चल रहा है यही कलर। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब भी आप वर्क करें तो टूल बहुत टाइप के यूज करने के तरीके हैं, सबके अपने अपने हैं। यहाँ से देखेंगे मिक्सचर ब्रश टूल है, इसको यूज करना चाहिए वैसे मेरी समझ से, लेकिन अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, अल्ट की बटन दबाए रखेंगे और यहाँ से इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। ये कलर आ गया, ये स्किन का कलर आ चुका है, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी और फेड फ्लो दोनों को कम कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ब्रश चलाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ब्रश काम करता है, ठीक है, पता कब चलेगा वो मैं बताऊंगा। देखेंगे यहां से मैं चला रहा हूं, वैसे फोटो को ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी समझ से, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं, एजुकेशन वे के लिए चीजों को बता रहा हूं, इसलिए वैसे बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मेरे को नहीं करना चाहिए था वैसे, पर अब कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। इधर से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। अब देखेंगे क्या काम कर रहा है इसमें। देखो पहले ऐसा था अब ऐसा है, मतलब ये वर्क करता है, पर किस हद तक करता है आपने देख लिया, ठीक है। और अब बात आती मिक्सचर ब्रश टूल से। अगर मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ ठीक से या आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो मिक्सचर ब्रश टूल से कैसे काम करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो मिक्सचर ब्रश टूल लिया, इसको रिसेट कर लेते हैं, और उसके बाद आराम से यहाँ से आप वर्क कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको कम करना पड़ेगा, इसके लोड को भी, इसको भी, और फ्लो को भी, और उसके बाद वर्क कराएंगे। सॉरी, सिर्फ आपको इसे कम करना है, किसे करना है, मिक्सचर ब्रश टूल लोड को कम करना है, मिक्सचर को तो कम करना ही है, फ्लो को भी कम करना है। देखेंगे ये जब आप चलाएंगे ध्यान से समझ के, तो देखेंगे यहाँ पर काम करता है, बहुत ही प्रीमियम तरीके से काम करता है मिक्सचर ब्रश टूल। यहाँ आपको एक लाइन दिख रही होगी, लाइन हट जाएगी आपकी, बहुत ही बारीकी से करेंगे तो ये काम करता है, ठीक है।
देखेंगे, यहाँ नजर आता होगा आपको, ये देखेंगे। तो इस टाइप से मिक्सर ब्रश टूल भी काम करता है, ये भी काम करता है। कुल मिला के ऐसा है कि जब आपको जरूरत हो तभी आप यूज करें, वरना जरूरत के बिना आप यूज करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपको मैंने बता दिया कि वर्क कैसे करता है। इसको सेट करने का मेथड सिर्फ यही है, यहाँ से सेट करना होता है, और उसके अलावा अल्ट के साथ इसको यूज करते टाइम अल्ट दबा के रखोगे तब यूज करोगे तो काम करता है। यहाँ पर देखेंगे चीजें यहाँ पर अटैच हो जाती है, जैसे वाइट करना है यहाँ से सब कर सकते हैं। ऐसे पूरे ये पूरा मेथड है, ऐसे काम करता, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे चीजें काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में उतनी बहुत हार्ड चीजें मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन जितनी चीजें बताया हूँ काफी है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। कल एक नई वीडियो के साथ आऊंगा, बहुत ही बढ़िया वाली। तब तक के लिए बाय।